वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्टेमेन अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक, देखिए किसी भी स्टेमेन अर्थात फ्लावर के स्ट्रक्चर के पार्ट में जानना है तो उसे हमें फ्लावर के मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बिल्कुल बनता है। ठीक, ऐसे बिल्कुल। तो ये कैलिक्स होता है, ये क्या होता है, कैलिक्स होता है, ग्रीन इन कलर का होता है, खासकर होता है। और ये हमारे पास क्या है, कोरोला है। कोरोला ये रेडिश ब्लूइश येलोइश डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं जो इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे एंड्रोसियम पार्ट होते हैं, मेल पार्ट होता है एंड्रोसियम और यहाँ पर फीमेल पार्ट होती है जिसे हम बोलते हैं गायनोसियम। मेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम एंड इसे हम लोग बोलते हैं गायनोसियम, गायनोसियम। इस अगर इसके हम यूनिट की बात करें कैलिस को, कैलिस का यूनिट है सेपल, इसी प्रकार करोला का यूनिट है पेटल। ठीक, और एंड्रोसियम का पार्ट है, यूनिट पार्ट है स्टेमेन एंड गायनोसियम का पार्ट है यूनिट आपका कार्पेल या पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल। तो हमें बात करना है स्टेमेन मतलब कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। तो एक्चुअल में हमें इसके एक पार्ट को लेना होगा। अगर एक पार्ट के पार्ट को लें तो हम इसका फिगर देखते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है, ये बिल्कुल ऐसा। ये आपका क्या है, स्टेमेन है। क्या है ये, स्टेमेन है। ठीक, अच्छा स्टेमेन दो पार्ट से कंसिस्ट होता है, जिसे ऊपर वाले सिरा को हम बोलते हैं एंथर, एंथर एंड लोअर जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट एक्चुअल में स्टेराइल पार्ट होता है, स्टेराइल पार्ट होता है, जबकि एंथर फर्टाइल पार्ट होता है, फर्टाइल पार्ट होता है। तो एक्चुअल में जो एंथर का स्टेमेन का जो फिलामेंट है ये प्रॉक्सिमल एंड इसका इसके थैलेमस या तो इसका पेटल है, पेटल से जुड़ा होता है। इसी प्रकार इसका डिस्टल एंड इसके एंथर जुड़ा होता है थ्रू अ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी एक स्टेमेन की बात करते हैं, खासकर एंथर की बात करते हैं, तो एंथर में यहाँ पर आपको कितने लोब दिख रहे हैं, आपको टू लोब दिख रहे हैं, एक लोब इस साइड, एक लोब इस साइड, और एक लोब में टू माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, एक लोब में टू माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अच्छा, इसका फिगर अगर टी एस काटें तो फिगर हमको बिल्कुल ऐसा साफ साफ दिखेगा। बिल्कुल साफ साफ ठीक। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजिया आपको साफ साफ दिख रहा है, मतलब एक लोब इस साइड है, एक लोब इस साइड है, यहाँ पर एक लोब इस साइड, एक लोब इस साइड, और यहाँ पर जैसे आप कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा क्या हुआ है, डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो आप कह सकते हैं एक लोब में टू माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चलकर पॉलन सैक में डिफरेंशिएट होता है या इसे हम पॉलन चैम्बर कहते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोब्स की, टू लोब्स है, टू लोब्स है, तो हम इसे बोलते हैं या तो बाईलोब्स, बाईलोब्स। अब जानते हैं एक लोब में
टू माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टू लोब में चार माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाएंगे। तो चार माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाएंगे तो इसे हम बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक, इसी प्रकार केवल अगर यहीं आप टू लोब, एक लोब ए है एक लोब ए है, अगर सिंगल लोब पाया जा रहा है, सिंगल लोब ओनली सिंगल लोब, तो उसे हम बोलेंगे क्या मोनोथिकस। ठीक, अब जानते हैं मोनोथिकस है, सिंगल लोब है, एक लोब में कितने होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, टू माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो हम कह सकते हैं बाईस्पोरेंजिएट। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, टू लोब्स है, जैसे यहाँ पर सिंगल लोब के लिए हम मोनोथिकस लिखा है, टू लोब के लिए हम लोग लिखते हैं डाईथिकस। क्या लिखते हैं? डाईथिकस का खासकर एग्जाम्पल आप देखेंगे कैप्सेला मेंबर आप क्रूसीफेरी या ब्रैसिकेसी होता है। इसी प्रकार मोनोथिकस का एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं तो मोरिंगा एंड वोल्फिया। इसी प्रकार मेंबर ऑफ मालवेसी, जैसे एग्जाम्पल आप बात करें तो हिबिस्कस। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन बात है, एक्सेप्शन जैसे यहाँ पर सिंगल लोब है, सिंगल लोब को आप क्या बोलते हैं, मोनोथिकस बोलते हैं, बाईस्पोरेंजिएट होता है। लेकिन एक स्पीसीज है आरसी यूथोबियम, जिसमें क्या मोनोथिकस तो है लेकिन वहाँ पर केवल एक ही स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे मोनोस्पोरेंजिएट। जैसे यहाँ पर आपको हम लिख दे रहे हैं, जैसे आरसी यूथोबियम, इसमें केवल मोनोस्पोरेंजिया मतलब सिंगल स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, मोनोस्पोरेंजिएट। ठीक, तो आज हम देखिए इसी मोनोस्पोरेंजिएट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे पॉलन सैक है, इसी पॉलन सैक के अंदर ही बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक, तो आगे हम पॉलन ग्रेन के बाद में बात करेंगे, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम थोड़ा इसकी विषय में हम बात करेंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।